हाय फ्रेंड्स, न्यू मिलन चैनल पर आप सभी का स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ये जो टावर एक्वेरियम के सेटअप के इंफॉर्मेशन के बारे में। बहुत सारे कस्टमर के कमेंट्स है कि मैंने पहले स्टार्ट में तो कुछ कल के जो हमारे वीडियो थे जिसके अंदर फिश प्राइस और फिश वेराइटी को और फिश केयर को लेकर हमने कुछ वीडियो बनाया था, तो उसको देखने के बाद में बहुत सारे कस्टमर मुझे आके मिले यहाँ पर और पर्सनल कस्टमर कॉल करके इन्फॉर्मेशन के अंदर मुझे पूछा गया कि ये जो हमारा टावर का जो एक्वेरियम है इसके अंदर पानी है, इस फ्रेश रखने के लिए कुछ सिस्टम बताइए, किस टाइप से हमारा पानी साफ रहेगा, कि कौन सी मछलियाँ रखें और किस टाइप से कितने बजट में ये बन सकता है। तो इसके बारे में आज मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि ये आज ये जो टावर वाला जो एक्वेरियम है कितने बजट में, कम से कम बजट में हम इसको किस टाइप से केयर करके मछली और कुछ लुक, नए लुक में इसको हम किस अंदाज में हम इसको बता सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए चालू करते हैं हमारे टावर वाला एक्वेरियम। इससे पहले मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। और ये मैं बताऊँगा दोस्तों कि सबसे पहले होता है हमें कि ये जो हमारा एक्वेरियम है हमारे पास में जो जगह अवेलेबल होती है उस जगह के हिसाब से सेटअप करना। तो यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी जगह थी यहाँ पर, तो मैंने नॉर्मली ऐसी सोच के बस एक्वेरियम बना दिया। एक्वेरियम बनाने के बाद में हमारे पास जैसा गर्मी जगह होती है उसके हिसाब से हम 9 इंच में, 12 इंच में, 6 इंच में इसका साइज बना सकते हैं। जो पहले फिश टैंक बनाना होता है, फिश टैंक ये किस टाइप से ये टावर का टैंक बनाने का है, मेकिंग करने का है, ये वीडियो पहले भी है, तो उसको उस टाइप से आप है तो उसको बना लीजिए। बनाने के बाद में ये वाला जो कैप है, कैप और इसका लाइट सिस्टम, कैप लाइट, ये जो पूरा एक्वेरियम में हमारे सबसे ज्यादा रोल होता है कैप और लाइट का। जितना पावरफुल, जितना इफेक्टिव लाइट है हमारे पास में और कैप है उसके हिसाब से पूरा नीचे का जो हमारा टावर टैंक का पूरा लुक अच्छा आएगा। तो ये कैप का और लाइट का सिस्टम का अगर आपको चाहिए, आप अगर टैंक बना दिए तो ये मुझसे भी, मेरे से भी ऑर्डर करा सकते हैं। तो ये हमारा जो अपन फिश टैंक के जो ऊपर की कवर बनाते हैं, जो सप्लाई करते हैं उसी का ये मटेरियल से यहाँ पर हमने फर्नीचर के लुक में यहाँ पर और बेस को ये दोनों जगह पे, ये नीचे के साइज में हमने 2 इंच की है तो यहाँ पे बॉटम बनाया है और ऊपर के साइज में हमने 7 इंच का इसका कवर बनाया है। तो ये कवर और इसके अंदर हमने लगाया है एकदम फुल टू वारंटी वाला, 2 साल वारंटी वाला पावरफुल अच्छी क्वालिटी का लाइट। और इस लाइट का भी कॉस्ट बहुत कम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके इसके रेट या इंफॉर्मेशन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये होगा हमारा कैप का और लाइट का सिस्टम। और उसके बाद में हम देखते हैं कि नीचे का, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 500 ग्राम के यहाँ पर हमने स्टोन डाले हैं अलग अलग साइड में कलर में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टोन डाल दिए हमने। स्टोन के बाद में एक सादा सिंपल छोटा सा एक 12 इंच का यहाँ पे हमने एक प्लांट डाल दिया, तो थोड़ा सा ये जो बबल्स चल रहे बबल्स के हिसाब से वो प्लांट्स भी थोड़ा सा वर्किंग अच्छे से हो रहा है। तो इसके बाद में यहाँ पे हमने एक सादा सिंपल होता है जो हमारा एयर पंप मशीन, ऑक्सीजन मशीन, उसी को हमने यहाँ पर है तो दोस्तों जोड़ दिया। जोड़ के यहाँ पे जो रॉड होती है एयर बबल्स रॉड, उसको हमने पाइप के थ्रू इसको कनेक्ट करके इसको चालू कर दिया। तो ये जो बबल्स के थ्रू जो लाइट इसके अंदर इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बबल्स में उस टाइप के कलर्स आ रहे। तो ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने ये जो मछलियाँ यहाँ पे दिखाई है आपको, तो ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए यहाँ पे कुछ डॉल्फिन फिश है, ब्लू डॉल्फिन, उसके बाद में एंजल फिश है और सकर फिश है। और ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा इसके पानी के वाटर सिस्टम क्लीनिंग के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो हमारा इसके अंदर का पानी साफ रहने के लिए, क्लीन रहने के लिए, जैसा आपको तो पता ही है कि सकर फिश होती है, जो सकर फिश हमारा कांच को पूरा अंदर बाहर से क्लीन करेंगी, जो इसकी हाइट ज़्यादा रहने से मतलब हाथ डाल नहीं सके इनकेस, तो उस टाइप में हमारा सकर फिश है तो ये काम कर देगा, पूरे कांच को ग्लास को क्लीन रखेगा। और उसके बाद में होता ये है कि ये जो मैंने बबल्स रोड यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है इसलिए थोड़ी सी साइड में डाली है, तो आप है तो इसके अंदर स्पंज फिल्टर भी लगा सकते हैं। स्पंज फिल्टर के अंदर भी हमारे पास में ये बबल्स बहुत प्यारे और अच्छे आएंगे, और स्पंज फिल्टर लगाएंगे तो इसका पानी हमको है तो कम से कम 2 महीने तक तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और स्पंज फिल्टर मार्केट में आसपास में आपको अगर मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिले तो मेरे से भी आप स्पंज फिल्टर के स्मॉल, मीडियम और बिग साइज़ में अलग अलग साइज़ में 100, 200, 300 के आसपास में कुछ उसके रेट होते हैं वो भी मिल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों पानी फ्रेश करने का सिस्टम। और जैसा कि हर महीने को अगर अपन साइफन पंप लेते हैं, एक एक बकेट इसमें से पानी निकाल के एक बकेट हम बढ़ा भी देंगे तो हमारी मछलियाँ भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, पानी वाटर भी फ्रेश रहेगा।
और दोस्तों इसके अंदर मैं लाइट सिस्टम के बारे में और एक बताना चाहूंगा आपको कि हमारे पास में एक एलईडी लाइट सिस्टम है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे लाइट सिस्टम के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मेरे पास में एक ये वाला जो लाइट है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑटोमेटिक कलर सिस्टम चेंज होने का प्रोसेस है। अगर ये भी हम लगाते हैं, ये टॉप कवर में लगाना होता है, ये अगर हम लाइट लगा देंगे तो इसके अंदर बहुत बढ़िया लुक अच्छा आएगा। दोस्तों मैं एक बार निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला लाइट सिस्टम होता है वाटरप्रूफ है, पानी के अंदर भी लगा सकते हैं, पानी के बाहर भी लगा सकते हैं। ये जो हमारा टॉप कवर होता है, टॉप कवर के अंदर हम इसको इस टाइप से लगा सकते हैं। और दूसरा, कम से कम बजट में दोस्तों मेरे पास में एक लाइट है जो कि ऑटोमेटिकली में या अपने अपन जिस टाइप से चाहे जिसके अंदर ब्लू कलर करना, ग्रीन करना, येलो करना, जो चाहे कलर हमको चेंज करने का सिस्टम अगर चाहिए तो 300 रुपये का सिर्फ ओनली वन लाइट है, जो कि वो लाइट के ऊपर हम हमारे हिसाब से इसके अंदर से स्पीड जो लाइट की कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका पानी जैसा कि अभी ब्लू दिख रहा है, इसको रेड से कर सकते, उसके बाद में अलग अलग येलो, उसके बाद में ग्रीन, हर कलर में 15 से 20 कलर के अलग अलग सेट है। तो इसके तो चेंज करके हमें तो इसके इफेक्ट है तो कलर के दे सकते, तो वो लाइट अगर चाहिए तो वो लाइट भी है तो मेरे पास में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा एक्वेरियम है, अगर आप यहाँ आके ले सकते हैं तो हम इसको एक से पूरे टोटल साइज में, छोटे से बड़े तक साइज में ये बना के आपको दे सकते हैं। और अगर आप बाहर से कस्टमर है तो ये पार्सल है तो हमारा ये ग्लास के अंदर नहीं हो पाएगा, आसपास में आपके पास ये बना के लीजिए। हाँ, जो इसके अंदर का एसेसरीज लगता है, प्लांट, स्टोन, रॉड, ऑक्सीजन मशीन, वायर, केबल, इसके अंदर जो कवर वगैरह, लाइट्स वगैरह सिस्टम, मैं आपको पार्सल कर सकता हूँ, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने आज देखा कि ये किस टाइप से हमारा ये बबल्स वॉल एक एक्वेरियम बनाया जा सकता, किस टाइप से बना सकते या टावर एक्वेरियम किस टाइप से हम बना सकते। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और जो कि अच्छे अच्छे मैं आपको अलग अलग नए नए वीडियो आपके लिए ला सकूं, और आने वाले वीडियो में बहुत कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच, ओके बाय। काम रवाल बंद कर दिया करो ऊपर से।